हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट फोर जिसमें हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट वाले पार्ट में यानी पार्ट थर्ड में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा है। पार्लियामेंट किस तरीके से काम करता है ये हमने देखा। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पार्ट थर्ड पूरा पढ़ लिया है तो पार्ट फोर जिसमें स्टेट गवर्नमेंट है इसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि काम जो है वो लगभग एक जैसे ही हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट का काम होता है उसी तरीके का लगभग गवर्नर का भी काम होता है, थोड़े बहुत डिफरेंसेज हैं ही लेकिन लगभग वो सेम होता है। ठीक है, उसी तरीके से जिस तरीके से पार्लियामेंट काम करती है वैसे यहाँ पर आपको स्टेट लेजिस्लेचर भी काम करता है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन प्रोसेस जो है लगभग वही है। ठीक है, तो वो आपको अच्छी तरह की समझ में आया होगा तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत सी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे हमने कि पार्लियामेंट में पढ़ा था कि पार्लियामेंट की तीन बॉडीज होती हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। ठीक है, इन तीन लोगों से या तीन बॉडी से ये मिल के पार्लियामेंट बनती है। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में भी यही हाल है। जो स्टेट की लेजिस्लेचर होती हैं उनमें दो या तीन, जैसे मान लीजिए कि गवर्नर और प्लस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जहां पर ये यूनिकैमरल है, वहां पर जहां पर ये बाइकैमरल है यानी कि जहां पर काउंसिल भी है तो वहां पर गवर्नर प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये तीनों मिलके बनाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये हो गया इन द केस ऑफ बाइकैमरल। तो जिस तरीके से आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में ये बिल्कुल मैंडेटरी है कि वहाँ पर दो हाउस होनी चाहिए यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन स्टेट के केस में ऐसा नहीं है। स्टेट के केस में ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल हो ही। ठीक है, ये स्टेट के ऊपर छोड़ा गया है कि जिस स्टेट को अगर लगता है कि उनके यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए तो उसको वो अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट के लिए काउंसिल का होना ये मैंडेटरी नहीं है। तो जिस तरीके से लोकसभा काम करती है उस तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काम करती है, जिस तरीके से राज्यसभा काम करती है उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल काम करती है। वर्किंग में डिफरेंस है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम एक दूसरे से तुलना करें तो जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा होती है उसी तरीके से स्टेट में असेंबली होगी, और जिस तरीके से पार्लियामेंट में राज्यसभा होती है उस तरीके से स्टेट में काउंसिल होती है। अदरवाइज वर्क का तो बहुत सारा डिफरेंस है। यहाँ पर काउंसिल के पास उतना कोई पावर नहीं होता जितना पावर एक राज्यसभा के पास में होता है। ठीक है, चलिए, तो मैंने ये बताया कि मैंडेटरी नहीं है स्टेट्स के लिए कि उनके यहाँ काउंसिल हो ही। ठीक है, अब यहाँ पर काउंसिल हर स्टेट के लिए क्यों नहीं रखा गया? यहाँ पर जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन चल रहा था तो जो हमारी असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको विचार आए। यहाँ पर कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि स्टेट लेवल पर जो लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली चीज़, एक रीज़न ये दे दिया गया कि जो काउंसिल होती है वो अनरिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पॉपुलेशन होती है, यानी कि लोगों के द्वारा वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा वो चुन के लोग काउंसिल में नहीं आते हैं। ठीक, तो ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, एक बेकार का बर्डन बढ़ेगा स्टेट के बजट पर या स्टेट के फिनेंस पर। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल इशू। साथ ही साथ तीसरी रीज़न ये दिया गया कि इसकी वजह से क्या होंगे कि जो लेजिस्लेशन प्रोसेस है, जिस बिल को पास करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो यहाँ पर जो आपको बेकार का डिले देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीन रीज़न बताए गए जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि क्यों काउंसिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि काउंसिल ये छोड़ दिया गया स्टेट के मन पे कि जिस स्टेट को मन करे उसको अडॉप्ट करे या ना करे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्टेट इस काउंसिल को
क्रिएट कर सकती है या अबोलिश कर सकती है। यहाँ पर स्टेट जो होती है रिक्वेस्ट करती है पार्लियामेंट से एबोलिश करने के लिए या क्रिएट करने के लिए, ठीक है। लेकिन रिक्वेस्ट ऐसा नहीं होता है कि कह के रिक्वेस्ट किया जाता है। रिक्वेस्ट कैसे किया जाता है, जब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी को काउंसिल बनाना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है, तो वो अपनी असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में इस बिल को 2/3 मेजोरिटी से पास करती है, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से पास करती है लेजिस्लेटिव असेंबली कि हमें काउंसिल बनाना है। उसके बाद उस प्रपोजल को या उस बिल को भेज दिया जाता है कहाँ पर, पार्लियामेंट में, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसके बाद पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो फिर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में उसको पास करती है और इसको पार्लियामेंट में इसको सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। पार्लियामेंट में इसको सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, लेकिन पार्लियामेंट में ये सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, ठीक है। और सिंपल मेजोरिटी से पास जो होता है वो आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं आता, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको काउंसिल को एबोलिश करना हो या फिर क्रिएट करना हो, यहाँ पर पार्लियामेंट एक सिंपल मेजोरिटी से इस बिल को पास करती है, ठीक है। और इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस करने पड़ते हैं, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है वो सिंपल मेजोरिटी से होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं होता, यानी कि आर्टिकल 368 के अंडर में यहाँ पर अमेंडमेंट नहीं होता, ठीक है। तो अब बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो प्रेसिडेंट उसको साइन करेंगे, तो फिर काउंसिल क्रिएट होगा। फिलहाल अभी हम बात करें तो 6 स्टेट्स में काउंसिल है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना, फिलहाल 6 स्टेट्स में है। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर एक फुल फ्लेज स्टेट था तब उस समय 7 स्टेट्स थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी काउंसिल थी। लेकिन अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को बाइफर्केट कर दिया गया और यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है, और वहाँ की जो काउंसिल है उसको ख़त्म कर दिया गया, इसलिए 7 से रिड्यूस होकर यहाँ पर 6 स्टेट्स के पास ही आज काउंसिल मौजूद है। पहले तमिलनाडु में भी काउंसिल हुआ करता था, जिसको तमिलनाडु ने 1986 में ख़त्म कर दिया, कहा कि हमें काउंसिल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर 2010 में इसने काउंसिल के लिए रिक्वेस्ट की थी, और पार्लियामेंट ने इस बिल को, इस रिक्वेस्ट को पास भी कर लिया था, यानी एक्ट भी बन गया है ये, ठीक है। लेकिन इस एक्ट को अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है तमिलनाडु में, यानी कि काउंसिल के लिए दोबारा काउंसिल को क्रिएट करने के लिए 2010 में एक्ट पारित भी कर दिया गया पार्लियामेंट में, लेकिन अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिलहाल की जो गवर्नमेंट है इसको अपोज कर रही है, और इसके कुछ लीगल इशूज़ भी हैं जो कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है। स्ट्रेंथ की बात करें हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली का जितना स्ट्रेंथ होगा उसका 1/3 स्ट्रेंथ होगा काउंसिल का, ठीक है। लेकिन मिनिमम 40 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर जो था, जम्मू कश्मीर में जो काउंसिल था वहाँ पे 36 मेंबर थे, तो वो एक्सेप्शन था। खैर अब तो वो ख़त्म ही हो गया जम्मू कश्मीर का काउंसिल, तो इस चीज़ को बस ध्यान रखिए कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होगा काउंसिल का वो लेजिस्लेटिव असेंबली का में जितने मेंबर हैं उनके 1/3 होगा, और मिनिमम जो होगा वो 40 होगा, ठीक है। अभी इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ से चुन के आते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कि 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहले यानी कि 3 तरीके के 1/3 + 1/3 + 1/3, ये पहला 1/3 ये जो है ये लोग चुन के आते हैं डिफरेंट लोकल बॉडीज से, जैसे म्यूनसिपैलिटीज हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गई, पंचायत हो गई, इनके द्वारा जो बना हुआ इलेक्टोरेट होता है वहाँ से, वहाँ पर लोग वोटिंग के द्वारा या वहाँ से लोग चुन के आते हैं 1/3 यहाँ पर। इसके अलावा जो सेकेंड 1/3 है, ये 1/3 आते हैं जब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती है, इनको चुनती है, ठीक है। इसके बाद ये जो 1/3 है इसके 3 पार्ट है, 112 112 एंड 16। ये 16 अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, ठीक है। नॉमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, आर्ट, साइंस, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। तो इस क्षेत्र में जो
जिनको ज्ञान नॉलेज हो, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो उस बेसिस पर 1/6 मेंबर को यहाँ पर गवर्नर जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं। इसके बाद बचे 1/12 एंड 1/12 पार्ट। तो इसमें से एक 1/12 जो होते हैं ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स का एक इलेक्टोरेट होता है, जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट लोग होते हैं उनका एक इलेक्टोरेट होता है, वो जो उनके 1:12 लोगों को भेजते हैं। इसके बाद ये जो दूसरा बचा 1/12 इसको भेजते हैं टीचर्स। कैसे टीचर्स? सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं जिनके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो ऐसे टीचर्स मिलके एक इलेक्टोरेट बनाते हैं और उसके बाद वो 1/12 मेंबर्स को यहाँ पर चुन के भेजते हैं। तो इस तरीके से 5 कैटेगरी है, कैटेगरीज है जहाँ से लोगों को, जिस तरीके से लोगों को चुन के काउंसिल में भेजा जाता है। ओके नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इनको एमएलसी कहते हैं ना, एमएलए कहते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं इनको एमएलसी कहते हैं। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, मिनिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए इनकी, ठीक है, या कोई भी अदर क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई हो या स्पेसिफिकली मेंशन की गई हो, ठीक है। इसके अलावा किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पे नहीं होने चाहिए, ना ही अनसाउंड माइंड यानी कि दिमागी रूप से असक्षम या अयोग्य ना हो, एंड शुड नॉट बी एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया ना हो, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन से या एलिजिबिलिटी है। ड्यूरेशन की बात करें तो 6 साल के लिए चुन के भेजे जाते हैं और काउंसिल चूंकि एक राज्यसभा की तरह काम करती है, तो यानी कि परमानेंटली डिजोल्व भी कभी नहीं होती। तो यहाँ पर 1/3 मेंबर जो होते हैं हर 2 साल रिटायर होते हैं, जैसे राज्यसभा में था, ठीक है। लेकिन अब राज्यसभा के जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट ये प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं वो काउंसिल के मेंबर्स में ही चुन के किसी को बनाया जाता है, ठीक है। चेयरमैन जो होंगे और जो डिप्टी चेयरमैन होंगे वो अपने मेंबर्स से ही ये चुन के बनाए जाते हैं, यानी कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों लोग अमंग द मेंबर्स से ही होते हैं जो काउंसिल में है। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जिस तरीके से लोकसभा काम करती है या लोकसभा का जो एक पोजीशन है उस तरीके से ही स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो आर्टिकल 128 के तहत सॉरी असेंबली में मैक्सिमम 500 लोग होंगे और मिनिमम 60 लोग होंगे, ठीक है, यानी कि मेंबर्स। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि सिक्किम में 32 ही मेंबर्स है, गोवा में 40 है, मिजोरम में भी 40 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी कम है, सिक्किम काफ़ी छोटा है, गोवा भी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, मिजोरम ठीक है थोड़ा सा बड़ा है, उतना छोटा भी नहीं है, लेकिन उसका पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सीटें कम है। ओके अब तो इलेक्शन होने के लिए जो पूरा स्टेट होता है उसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे पार्लियामेंट में भी हमने पढ़ा था कि लोकसभा जो इलेक्शन होती है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, आपने सुना भी होगा, जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है तो लोकसभा क्षेत्र, या फिर असेंबली का इलेक्शन होता है तो विधानसभा क्षेत्र, आपने सुना भी होगा, ठीक है। ये 5 साल के लिए चुन के आते हैं, लेकिन 5 साल से पहले भी ये जा सकते हैं, कैसे? जब असेंबली को गवर्नर के द्वारा डिसॉल्व कर दिया जाए तो। ओके नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर 1 साल तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, एक बार में, ध्यान रखिएगा, एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि कौन लोग असेंबली में चुन के जा सकते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज 25 ईयर्स है, साथ ही साथ और कोई क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट के द्वारा डिस्क्राइब या मेंशन की गई हो। ओके डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कैसे इनका हो सकता है? यदि ये किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर रहा, सेंट्रल या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, अनसाउंड माइंड या फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या फिर इन्होंने अपना सिटीजनशिप छोड़ के किसी दूसरी फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया हो, यानी कि अब हमारे सिटीजन ना रहे हो, या फिर ये एंटी डिफेक्शन लॉ या किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन लॉ के अंडर में इनको डिस्क्वालिफाई कर दिया गया, ठीक है, तो इन सब केसेस में इनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, ये मेंबर नहीं होंगे। तो ये जो सारा का सारा डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन है ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करने का काम गवर्नर करता है कि
क्या गवर्नर यूनिलैटरली करता है, अपने मन से करता है? ऐसा नहीं है। गवर्नर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट का रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस लेता है और उसके बाद यहाँ पर गवर्नर अपना डिसीजन देता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट का जो यहाँ पर बात थी, तो वहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, लेकिन स्टेट के केस में यहाँ पर गवर्नर एडवाइस लेता है इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट की, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर गवर्नर के पास ये पावर होता है कि एक एंग्लो इंडियन जो सोसाइटी है या एंग्लो इंडियन की जो कम्युनिटी है, यहाँ से एक लोग को वो असेंबली में नॉमिनेट कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि एंग्लो इंडियन की कम्युनिटी जो है, इनका पार्टिसिपेशन अगर एडिक्वेट नहीं है स्टेट असेंबली में, तभी ये ऐसा करेंगे, अदरवाइज ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इट इज़ नॉट अ रिजर्वेशन, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि एकदम मुझे रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए, वहाँ पे नॉमिनेशन होना ही चाहिए, ठीक है। ये गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोई एडुकेट अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं इस कम्युनिटी का, तो एक मेंबर को वो नॉमिनेट कर सकते हैं। प्रेसिडिंग ऑफिसर की बात करें तो असेंबली के मेंबर्स अपने में से एक स्पीकर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक अपने मेंबर्स में से ही एक डिप्टी स्पीकर को भी ये इलेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि लोकसभा की तरह यहाँ पर भी है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों अपने मेंबर से ही लिए जाएंगे। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात करें तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी यहाँ पर लोकसभा की तरह ही है। लोकसभा में भी हमने प्रोसीडिंग्स के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग के बारे में पढ़ा था ना, याद होगा आपको, नहीं याद होगा तो दोबारा जाके देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से प्रोविजंस है, यहाँ पर भी है कि कम से कम साल में दो बार असेंबलीज की बैठक होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, यानी कि दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हर साल की जो नई हर साल में जो नया सीजन होगा, यानी कि नई जो मीटिंग होगी, नया जो सेशन होगा, इसको एड्रेस करेगा गवर्नर, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होंगी उसको अपने हाउस में बताएगा, ठीक है। अब इस गवर्नर की स्पीच के पास बाद एक थैंक्स टू गवर्नर एक मोशन होता है, उसी तरीके से पार्लियामेंट में लोकसभा में लाया जाता है, थैंक्स टू प्रेसिडेंट के लिए एक मोशन लाया जाता है, रेजोल्यूशन लाया जाता है, उसी तरीके से स्टेट में भी लाया जाता है थैंक्स टू गवर्नर, ठीक है। तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टी के पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करें, ठीक है। एक्सेप्ट मनी बिल, जितने भी बिल होंगे वो हाउस के दोनों किसी भी मतलब लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस में रखे जा सकते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, लेकिन मनी बिल जो है वो केवल और केवल असेंबली में रखा जाएगा, जैसे पार्लियामेंट में था। पार्लियामेंट में भी मनी बिल के लिए एक्सक्लूसिव यहाँ पर पावर है लोकसभा को, उसी तरीके से यहाँ पर भी मनी बिल के रिगार्डिंग एक्सक्लूसिव पावर है लेजिस्लेटिव असेंबली को, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऑर्डिनरी बिल हो उनको दोनों में से किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, यानी कि इनिशिएशन हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके से लोकसभा में होती है, यहाँ पर भी वैसे ही फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होती है बिल की, ठीक है। उसके बाद बिल पास होने के बाद ये पहुँचता है किसके पास, गवर्नर के पास। गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि या तो असेंट दे दे, यानी कि उस पर साइन कर दे और वो एक्ट बन जाए। दूसरा ये होता है कि उसको विदहोल्ड कर दे, यानी कि मना कर दे कि हम साइन नहीं करेंगे, तो एक्ट वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तीसरी चीज़, उसको रिटर्न कर दे, ठीक है, कि दोबारा कंसीडर कीजिए इसको, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मनी बिल के केस में ये रिटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं आता, ये हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये गवर्नर के प्रिय रिकमेंडेशन पर लाया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये उसको रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर चौथा है कि ये प्रेसिडेंट के लिए उस बिल को रिजर्व कर दे, ठीक है। लेकिन अब ये 4 ऑप्शंस हो गए ना, इधर 3 हो गया, एक पहले यहाँ पर था ये, ठीक है। तो 4 ही ऑप्शन गवर्नर के पास होते हैं। अब मान लीजिए कि जो बिल गवर्नर ने भेजा था रिकंसिडरेशन के लिए, वो बिल दोबारा पास होके इनके पास आ गया। तो जब दोबारा पास इनके पास आ गया, तो गवर्नर के पास ये पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है असेंट देने का, बस। ये उसको विदहोल्ड नहीं कर सकते, रिकंसिडरेशन के बाद अगर वापस आ गया है
तो उसको मना नहीं कर सकते अब साइन करने से, दोबारा तो भेज ही नहीं सकते, पावर ही नहीं है। तो इनके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है असेंट देने का कि साइन करना है इनको, ठीक है। नाउ अब जो प्रेसिडेंट के लिए ये बिल रिजर्व करते हैं, अब वो प्रेसिडेंट के पास में जाता है, तो अगर मान लिए कि प्रेसिडेंट भी दोबारा क्या करते हैं कि रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं उस बिल को, और फिर दोबारा वो पास होके प्रेसिडेंट के पास चला आता है, तो प्रेसिडेंट के पास दो पावर है, या तो असेंट दे या फिर विदहोल्ड, देख रहे हैं। तो यहाँ पर फर्क है, गवर्नर के पास रिकंसिडरेशन के बाद जो बिल आती है वो सिर्फ असेंट दे सकते हैं, मना नहीं कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है स्टेट बिल के कंसर्न में बात हो रही है, यहाँ पर प्रेसिडेंट उसको साइन भी कर सकता है, उसको मना भी कर सकता है, तो यानी कि यहाँ पर अधिकार प्रेसिडेंट का ज़्यादा है, ठीक है। तो बाकी जो मनी बिल है, मनी बिल के केस में ये लोग रिकंसिडरेशन नहीं कर सकते, गवर्नर दोबारा उसको भेज नहीं सकते, और नॉर्मली गवर्नर उसको विदहोल्ड भी नहीं करते हैं, उसको मना भी नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि गवर्नर से पूछ के ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है जनरली, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वही चीज़ है, जो प्रेसिडेंट के पास बिल आती है तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्रेसिडेंट या तो असेंट दे सकता है या फिर विदहोल्ड भी यहाँ पर कर सकता है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अगर बिल कुछ लीगल इशू से रिलेटेड है तो प्रेसिडेंट वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ एडवाइस भी ले सकता है उस बिल पर, है ठीक, वही बात यहाँ पर है। लॉ मेकिंग पावर, तो लॉ मेकिंग पावर स्टेट जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेजिस्लेचर होती है, कौन से लिस्ट पर कानून बना सकती है, वो स्टेट लिस्ट एज वेल एज कंक्रेंट लिस्ट पर कानून बना सकती है। लेकिन हमको पता है कि कंक्रेंट लिस्ट पर कानून दोनों लोग बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। अब मान लीजिए कि एक ही टॉपिक जो कि कंक्रेंट लिस्ट पर है, इस पर दोनों ने कानून बना दिया और दोनों का कानून एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट में हो गया, तो कौन किसका कानून प्रिवेल होगा, किसका कानून माना जाएगा? तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून होगा उसको माना जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के कानून को नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होती है अपने फिनेंस से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की, टैक्सेस से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनको पास करने की, उससे रिलेटेड जो बिल होते हैं उनको भी पास करने की, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।